वेलकम बैक दोस्तों। आज हम जो यूसीएल पर काम कर रहे हैं या किसी अन्य एजेंसी या रजिस्ट्रार द्वारा आधार का काम कर रहे हैं, उन सभी को निर्धारित तिथि के अनुसार सभी को री एग्जाम देना जरूरी है। और उसका एग्जाम देने के लिए आपको उसके बारे में पढ़ना होगा, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम दे पाएंगे। क्योंकि जैसे मेरा 2017 में सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो लगभग मुझे लग रहा है कि 2024 की जनवरी फरवरी में मेरा एग्जाम होगा। अभी कंफर्म नहीं है, मैं देख करके देख लेना, क्योंकि वो लिस्ट सभी के पास पहुंची थी कि इस डेट के अनुसार आपका दोबारा से एग्जाम होना है। तो उसके लिए हमारे पास पीडीएफ होना जरूरी है। पीडीएफ हमारे पास है नहीं, तो चलिए हम यूआईडीआई के होम पेज पर, वेब पेज पर जा करके ओरिजिनल पीडीएफ कैसे डाउनलोड करते हैं। तो चलिए आप अपने कंप्यूटर की कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन कर ले, जैसे कि मैंने मोजिला यू ओपन किया है, और आपको UIDAI लिख करके एंटर कर देना है। आपके सामने पहला पेज जनरेट होगा, पहले पेज पर आप क्लिक करेंगे और आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है या आपकी जो भी भाषा है उसके अनुसार आप सिलेक्शन कर लें। मैं अंग्रेजी पर कर लेता हूँ। करने के बाद देखिए आपके सामने यह पेज जनरेट होगा, और जो पॉपअप खुला था आप उसे यहाँ से क्लोज कर दें, आता है। और उसके बाद आपको यहाँ पर आना है इकोसिस्टम पर। इकोसिस्टम पर आने के बाद आपको यहाँ पर आप दिख रहा है आपको ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। चाहो तो आप नीचे वाले ऑप्शन का भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो आपको ऊपर ब्लैक में दिख रहा है मोटा बोल्ट में, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज जनरेट होगा, ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। आपको जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो इसके बारे में जो भी ट्रेनिंग के बारे में लिखा है, एनरोलमेंट एनरोलमेंट सुपरवाइजर ऑपरेटर, चाइल्ड एनरोलमेंट, लाइट क्लाइंट ऑपरेटर, जो भी है आप इसका सिलेक्शन करके आपको नीचे स्क्रॉल करना है अपने माउस के बटन से, या फिर यहाँ से सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर आएगा यूजर रजिस्ट्रेशन ऑन NCERT UIDAI एग्जाम रजिस्ट्रेशन पेज। आप यहां से जा करके उस पेज पर भी जा सकते हैं जहां पर आपका आधार एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आप क्रिएट न्यू यूजर पर जा करके कर लें। अगर आप एग्जिटिंग यूजर हैं तो आप आईडी पासवर्ड डाल के भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे स्क्रॉल और नीचे करेंगे तो आपके सामने आएगा जो ट्रेनिंग वाली पीडीएफ है, टॉपिक एंड ट्रेनिंग कंसेंट और हैंडबुक जो भी है आपकी इसमें आ जाएगी। बहुत सारी लैंग्वेज है इसमें, जो भी आपकी लैंग्वेज हो आप उस लैंग्वेज का सिलेक्शन कर लें। देखिए इसमें काफ़ी सारी लैंग्वेज हैं, तो जिस लैंग्वेज में आप पढ़ना आपका सहज लगे उसे भी पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट करूँगा। हिंदी सिलेक्ट करने के बाद देखिए आपके सामने ये पेज खुल जाएगा जो उसका एग्जाम का है। तो देखिए ये जो टॉपिक है, इसके सारे टॉपिक का म्यूनी यहाँ पर आ जाएगा, 10 टॉपिक है इसमें। और पेज वाइज भी यहाँ पर दिए हैं कि कौन सा टॉपिक किस पेज पर है, जैसे UIDAI और आधार का परिचय, तो आपको 4 नंबर पेज पर मिलेगा। रजिस्टर और पंजीकरण एजेंसी और पंजीकरण कर्मी आपको 15 नंबर पेज पर मिलेगा। तो आप इसे सारी को पढ़ लें पीडीएफ को, और इसमें 169 पेज हैं। जो भी आपको लगे, आपको जो भी नॉलेज नहीं आती है उसे पढ़ें, लगभग सारा पढ़ के जाएंगे तो आपका एग्जाम और अच्छे से क्लियर होगा और आपके मार्क्स बहुत अच्छे से आगे आ जाएंगे। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। पहले जो आती थी 2019 के लगभग, तो वो एक पीडीएफ आती थी जिसमें ऑप्शन भी दिए होते थे, साइड में वो क्वेश्चन पढ़ो और ऑप्शन का सिलेक्शन कर लो। तो उसमें नॉलेज इतनी नहीं मिलती थी, क्योंकि नॉलेज पढ़ने के बाद मिलती है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन को, तो उसमें इतनी अच्छी नॉलेज नहीं मिलती है। तो इसमें पहले अध्याय को आप पढ़ें, पढ़ने के बाद फिर उसमें क्वेश्चन बनते हैं आगे चल के, उन क्वेश्चनों को भी आप इसमें कर सकते हैं। देखिए मैं आपको ले चलता हूं और आगे पेज बढ़ा करके यहाँ से थोड़ा तेज चलते हैं। हाँ देखिए अब ये UIDAI का परिचय दिया था इसमें, और थोड़ा तेज चल रहा है। अधिनियम जो भी इसके नियम है, 2016 मार्च 2016 को प्रकाशित किया गया था ये भारत सरकार द्वारा, ये भी एक क्वेश्चन है इसमें। और CIDR ये क्या होता है, केंद्रीय पहचान डाटा, ये भी सब कुछ दिया है। उपस्थिति पंजीयन रजिस्ट्रार क्या होता है, और नामांकन एजेंसी क्या होती है, पंजीकरण केंद्र क्या होते हैं, पंजीकरण स्टेशन क्या होते हैं, नामांकन किट क्या होती है,
यह नामांकन किट में क्या क्या आता है, सब कुछ दिया। देखिए नामांकन किट क्या होती है, लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों में से कोई एक, मोनिटर, मल्टीफंक्शन प्रिंटर, स्कैनर, सफेद पर्दा, फोकस लाइट, सर्ज रक्षक, स्पाइट स्कैनर, कैमरा, स्लैब स्कैनर, जीपीएस डिवाइस। तो ये किट में हो गया है। तो देखिए इसमें 169 पेज है। जैसे परिचयकर्ता है, परिचयकर्ता क्या होता है, जब आधार बनाते हैं ना तो उसके साइड में से किसी परिचयकर्ता का, जैसे बच्चे का आधार बनाते हैं तो उसके माता या पिता के फिंगर हम लगाते हैं, तो शायद वो परिचयकर्ता में आता। तो पढ़ते हैं, देखिए, जो व्यक्ति व्यक्ति जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है, जो उस व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करेगा जिसके पहचान पीयूआई और पते का प्रमाण कोई मान्य प्रमाण नहीं है। नोट, परिचयकर्ता केवल उन व्यक्ति की पहचान और पते की पुष्टि करेगा जिनको परिचयकर्ता जानता हो, और परिचयकर्ता के आधार संख्या और बायोमेट्रिक पुष्टि का उपयोग करके पुष्टि की जाएगी। तो इसके बारे में भी पढ़े हैं। पंजीकरण ऑपरेटर क्या है, पंजीकरण पर्यवेक्षक क्या है, सत्यापनकर्ता क्या है, परिचयकर्ता, तो ये सब कुछ पढ़े हैं। पहले ये अब थ्योरी टाइप का कर दिया था, पहले मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन का कर दिया है, तो ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इस तरीके से अपने क्वेश्चनों को बना पढ़ करके क्वेश्चन आपके दिमाग में बन जाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ करके हमारी नॉलेज नहीं बढ़ती जितना कि उसकी थ्योरी पढ़ के नॉलेज बढ़ती है। तो आप इस तरीके से यहाँ से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। पुरानी वाली पीडीएफ भी मेरे पास अवेलेबल है, उसमें कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए लिखा यू आई डी और आधार परिचय। तो मैं आपको उस वाली पीडीएफ पर ले चलता हूँ, डाउनलोड में आ गया, और यहाँ पर मैं खोल लेता हूँ, सेम में मैंने खोल लिया है उसी पेज पर, और यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ भी लिखा है अध्याय यू आई डी आई और आधार का परिचय, पहला अध्याय भी इसमें ये हो गया है। और फिर यहाँ पर ये पूछ रहा है, प्रश्न है, आधार अधिनियम 2016 को पारित करके निम्नलिखित में किसके यूआईडीआई की स्थापना की थी, तो भारत सरकार ने की थी। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन ये अंग्रेजी में हो गया, फिर हिंदी में, फिर अंग्रेजी में, फिर हिंदी में, तो हिंदी पढ़ेंगे हम, पहला हिंदी, दूसरा हिंदी, तो दूसरा, तीसरा ऑप्शन हो गया रजिस्टर विकल्प, और यहाँ पर जो भी सिलेक्शन उसका होगा वो यहाँ पर चौथे चौथे नंबर पर आपका जो विकल्प सिलेक्शन होगा यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है उसका उत्तर जो है 2 सही है, तो 2 पर हमारा था भारत सरकार, तो भारत सरकार सही है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से भी जाकर के तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप इस पेज पर को भी पढ़ के भी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई क्यूरी रहती है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट्स करें, दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और लिंक अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।